मनावर में बीते दिन हुई चोरी मंगला कॉलोनी के मामले में पुलिस के हाथ सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी सहित चोरी का माल भी जब्त किया है। फरियादी ने बताया था कि उसके गले में नगद 30,000 और 8 तोला सोना नहीं है। इस पर उसने थाना मनावर में आवेदन दिया। इस पर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देश पर थाना मनावर ने एक टीम गठित की थी। टीम द्वारा उक्त मामले में गौतम पिता राकेश को गिरफ्तार किया और उसके बताए निशानदेही पर माल जब्त किया। मनावर से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। रिपोर्ट किया था थाने में कि घर के अंदर जो गल्ला रखा हुआ है उसमें करीब सोने चांदी के जेवर और 30,000 रुपये घर को चोरी करके ले गया। इस पर से जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धार अधीक्षक महोदय धार के द्वारा जो है टीम गठित की गई थी। टीम के द्वारा इसमें अज्ञात आरोपी की तलाश पत्र से की गई। इसमें टीम में विशेष रूप से जो थाना प्रभारी मनावर विदेश मार्गे राजेश हाड़ा सब इंस्पेक्टर अलावा सब इंस्पेक्टर कोटले और आरक्षक आरक्षक गणों द्वारा मेहनत की गई और इसमें एक संदेही मिला इन्हें जो गौतम नाम का संदेह था। तो उस आरोपी गौतम जब पूछताछ की गई तो उसने वारदात कबूल की और आरोपी को पकड़ने के बाद जब पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस टीम के द्वारा करीब 4,00,000 रुपये के जो है जेवर आरोपी से बरामद किए। माल जो है आरोपी के द्वारा जो है उसके मेमोरेंडम पे जो है पुलिस द्वारा जब्त किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।